वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं ऑटोकैड में जो कमांड डायमेंशन है उसके बारे में। यानी कि जब हम कोई भी प्लान क्रिएट करते हैं या हम कोई मेजरमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है तो उसकी जितनी भी डायमेंशंस होती हैं वो किस तरह से शो करनी है, यानी कि एंगुलर की कैसे होगी, आर्क की कैसे होगी, मेन डायमेंशन कैसे शो करनी है, क्विक डायमेंशन किस तरह से लेनी है या कॉन्टीन्यूस है या बाकी जो इतनी भी सेटिंग है वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक यहाँ पे ये प्लान बना हुआ है, हम इसके अंदर जो है डायमेंशंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो है डायमेंशन की हमने सेटिंग करनी है। हम आते हैं यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर और डायमेंशन में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे डायमेंशन स्टाइल पे और जैसे ही डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये डायमेंशन स्टाइल का यहाँ पे बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। अब सेकंड इसका ये होता है कि आप डायमेंशन की शॉर्ट की लगाएं जैसे डी और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का बॉक्स आ जाएगा। आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है लाइंस आ गई हैं। जैसे कि हम बाय लेयर करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे जो इतनी भी होंगी वो बाय ब्लॉक होंगी, तो हम जो है यहाँ पे बाय लेयर लेते हैं। जैसे कि कलर है वो हमने बाय लेयर ले लिया, बाकी लाइन टाइप है यानी कि डॉट्स में लेना चाहते हैं किस तरह से लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद लाइन वेट, लाइन का साइज़ किस तरह से लेना है वो आप लेंगे। और उसके बाद जो है कलर्स एक्सटेंशन लाइन जो यानी कि लाइन ड्रॉग होंगी, देखिए ये जैसे यहाँ पे जो है ना ये लाइंस होती हैं उनके कलर्स, और उसके बाद लाइन टाइप किस तरह से होने चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें इसी में आ रही हैं। तो बेसिकली हम जो है ना इसे सभी को बाय लेयर कर देते हैं कि अगर आप प्रिंट करें तो उसमें जो है मिसिंग ना हो। और उसके साथ ही अगर आप सैम्पल्स एरोस वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। और साथ में हम आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट 1 फीट हाइट जो इसकी आ रही है, एक्चुअली 1 फीट वो हाइट है जो हम पहले फॉर्मेट के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर आप टेक्स्ट की हाइट देना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे आते हैं, टेक्स्ट स्टाइल पे आते हैं। और टेक्स्ट स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ पर आ गए, जैसे ये रियल था, बोल्ड था और टेक्स्ट की हाइट यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो यही जो हाइट थी हमारे पास डायमेंशन के अंदर भी यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर है, यानी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ पे वही हमारे पास शो हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है बाय ब्लॉक होगा, आपने बाय लेयर कर देना है। और यानी कि फिल कलर इसे आपने यहाँ पे नन करना है, बाय लेयर नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप इसे बाय लेयर करेंगे तो इसके जो बैकग्राउंड में है वो ये सब वाइट आ जाएगा। जैसे ही वाइट आएगा तो आपका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जाएगा, तो आप इसे यहाँ पर नन करेंगे। नन करने के बाद हम आते हैं प्राइमरी यूनिट्स के अंदर, और प्राइमरी यूनिट्स में जैसे कि यूनिट फॉर्मेट हम लेते हैं आर्किटेक्चर, जैसे हमने पहले अपना आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया था। प्रिसीशन भी आप यहाँ पे 1/8 कर लेते हैं और डेसिमल में यहाँ पे डिग्री वैसे ही है और 0.00, देन हम इसे जो है ओके कर देते हैं और इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने डायमेंशन लगानी है, यानी कि आप डायमेंशन पर आते हैं। डायमेंशन में आने के बाद पहला जो है क्विक डायमेंशन, क्विक डायमेंशन होता है कि अगर आपने एक सिंगल लाइन पर क्लिक किया, एंटर कर दिया और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो ये जो है आपके पास क्विक डायमेंशन इस तरह से आ जाएगी। यानी कि अगर आप कोई भी क्विक डायमेंशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंटर कर दिया और यहाँ पे ड्रैग कर दें तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ये थी हमारे पास क्विक डायमेंशन। दूसरा जो है हमारे पास नेक्स्ट में ये होगा कि अगर आप डायमेंशन पर आते हैं और लीनियर पर आते हैं, अब लीनियर में बेसिकली ये होगा कि अगर आप एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं और अदर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो जो पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के ऊपर जो है ये लीनियर क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे लीनियर ले लिया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अदर पे क्लिक किया और इसको जो है आप यहाँ पे ड्रैग कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यानी कि अगर हम अदर डायमेंशन और लेते हैं, आप लीनियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अदर डायमेंशन जहाँ पर आप लास्ट पे क्लिक करेंगे यानी कि सेकेंड पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ बाहर ट्रैक कर देंगे तो जो ये जो है आपके पास लीनियर कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। उसके बाद है अलाइन, अलाइन यानी कि एंगुलर टाइप होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो है अलाइन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। और इसी के साथ जो है फिर आर्क लेंथ, अब अगर हम आर्क देखना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे आर्क हमारी इस ड्राइंग में नहीं लगी हुई या रेडियस नहीं लगा है तो हमारे पास जो है आर्क एक यहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि ये जो है आर्क आपके पास जितनी लगी है उसकी जो हाइट है वो इस हिसाब से होती है। इसी तरह फिर डायमेंशन पे आते हैं और हमारे पास जो है ऑर्डिनेट अभी हम नहीं करेंगे, यानी कि ऑर्डिनेट आपने कहाँ से कहाँ तक इसको लेना होता है ये आपके पास आ जाएगा। और इसी के बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर यहाँ पे होगा हमारे पास रेडियस, यानी कि एक सर्कल है या आर्क है तो उसका अगर आप रेडियस चेक करेंगे
तो ये जो है आपके पास कुछ इस तरह से शो कर देगा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है। इसी के साथ डायमीटर भी होता है, जॉर्डेज भी होते हैं हमारे पास, यानी कि अगर आप जॉर्डेज लेंगे तो यहाँ पे रेडियस के हवाले से भी वो दिखा देगा और बाकी जो है चीज़ें उसकी यहाँ पे शो होती जाएंगी। और मज़ीद अगर डायमीटर लेना चाहते हैं आप क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ना ये इसका डायमीटर भी दे देगा। इसी तरह जो है फिर अगर एंगुलर देखना चाहते हैं आप किसी भी एंगल पे अगर लगाएं, जैसे कि हम यहाँ पे आर्क देखते हैं किस एंगल पे है, तो यहाँ पे जो है हमें दिखाएगा कि ये 92 डिग्री पे जो है एंगल हमारे पास ये लगा हुआ है। इसी तरह जो है बेस लाइन हम नहीं लेंगे, हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंटिन्यू लाइन। अब कंटिन्यू लाइन में ये होगा कि एक साइड में तो हमने बाकी डायमेंशन यहाँ पर सारी शो कर दी हैं, और ड्राइंग के अंदर आपने जो है अगर आप ड्राइंग के बाहर खड़े हुए हैं और बाहर से आपने देखना है कि किस जगह पे वॉल है, किस जगह पे जो है ना विंडोज़ हैं, सॉरी किस जगह पे वॉल है या किस जगह पे जो है उसका गैप आ रहा है, तो उसके लिए जो है हम कंटिन्यू डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम लेते हैं यहाँ पे एक लीनियर, तो लीनियर के लिए जैसे यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये है, इसे हम बाहर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं और कंटिन्यू डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था, फिर यहाँ पे ये है, और इसी के साथ जो है फिर यहाँ पे हम अदर ले लेते हैं, जैसे ये थे हमारे पास, और मज़ीद अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे ये है, फिर ये, यानी कि आपने उन पॉइंट्स के ऊपर उन्हीं वॉल्स के ऊपर क्लिक करते जाना है और लास्ट में आप एंटर कर दें या स्केप कर दें, तो ये जो है आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएंगी। और डायमेंशन की बहुत सारी एग्जाम और भी हैं इसके अंदर, तो फिलहाल हमने यहाँ तक डायमेंशंस करनी है, यानी कि इन डायमेंशंस को यूज़ करके आप एक अच्छी ड्राइंग की डायमेंशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आपने डायमेंशंस को किस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि अगर आपके पास आर्क है, डायमीटर है, या एक बड़ी लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, तो उसको आपने किस तरह से शो करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।